वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द टाइप ऑफ वीडियोस दैट आई मेक, बट दिस वाज अ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो। मतलब मोस्टली द पीपल हु हैव नोन मी फ्रॉम पास्ट एंड हैव एक्चुअली सीन मी लूज अ लॉट ऑफ वेट बट हैव नेवर नोन हाउ वांटेड मी टू मेक सच वीडियोस। एंड या लाइक आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू ऑल दैट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वेट लॉस के रिगार्डिंग वीडियोज बनाऊँ देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू एक्चुअली यू नो टॉक अबाउट डाइट एक्सरसाइज मिथ्स टू अवॉइड एंड ऑल सच थिंग्स इन वन सिंगल वीडियो। सो प्रोबेबली आई विल मेक अ सीरीज अबाउट वेट लॉस। अ क्विक डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन और इवन अ फिटनेस ट्रेनर के साथ बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ दैट व्हाट वर्क्ड फॉर मी और मैंने क्या गलतियाँ की थी या मैंने क्या सही किया था जिसके वजह से मुझे रिजल्ट्स मिले। विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आई वांट टू शेयर विथ यू दिस पर्टिकुलर पिक्चर। So this is the time of 2009 when I was in my 9th standard and I weighed about like 75 kgs and yahi wo time tha when I decided that I want to lose some weight. First step that I took towards losing weight was that I got a treadmill for myself and it was again in 2009 only that I got a treadmill. And I'm so thankful that I got it because it was the very first move that I could take. Honestly, उस वक्त तक भी मेरी डाइट वॉज नॉट गुड इनफ क्योंकि आई यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक। एट दैट टाइम आई यूज टू हैव अ लार्ज बर्गर एंड यू नो अ कम्प्लीट स्लाइस ऑफ पेस्ट्री एज माई इवनिंग स्नैक एंड आफ्टर दैट आई यूज टू ऑल्सो हैव माई डिनर। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट उस वक्त मेरा डाइट ना बहुत खराब था। आई यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक एंड अ लॉट ऑफ क्रैप। न्यूट्रिशन से तो मेरा दूर दूर तक नाता नहीं था and workout or any sort of physical activity was completely missing from my life. उस वक्त इतना तो knowledge नहीं था that I could calculate like how much calories I am burning या मुझे कितना workout करना चाहिए and all. But I remember I used to walk for about 45 minutes in the treadmill and that too at a speed of about 4.5 to 5. Again I know that वो वाला वर्कआउट यू नो वॉज सो लेस एज कम्पेयर टू वट आई शुड बी डूइंग बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड टेकिंग सम स्टेप्स। लेकिन डेफिनेटली व्हेन पीपल से दैट यू नो लूजिंग वेट इज 70% ऑफ योर डाइट एंड 30% ऑफ योर एक्सरसाइज दैट्स रियली ट्रू क्योंकि माई डाइट वॉज नॉट एट ऑल गुड एट दैट टाइम सो आई वॉज नॉट सीइंग एनी रिजल्ट। सो ग्रेजुअली फ्रॉम 2011 आई स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन माई डाइट। So I remember I completely left sugar and I resorted to sugar-free as a substitute. और उसके साथ I completely like left eating rice. मैं चपाती ही खाती थी। I didn't consume rice for about I think 2 or 3 years in a row. Also I was very very calculative about the amount of junk that I consume. Sugar छोड़ने के साथ I have also like you know left anything sweet जैसे कि chocolates. केक एंड ऑल वो सब मैंने खाना बंद कर लिया था। एक्चुअली 2011 से 2012 के अंदर आई केम डाउन टू अबाउट 65 केजीज एंड दैट वाज रियली रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड आई लॉस्ट अबाउट 10 केजीज दैट वाज रियली रियली नोटिसेबल फॉर मी एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी टू इवन यू नो कंटिन्यू दिस वेट लॉस जर्नी। उसके बाद आई वॉज इवन मोर सीरियस अबाउट माई डाइट एंड वर्कआउट थिंग। तो 2012 वॉज माई 12th ग्रेड सो मैं इतना फोकस नहीं कर पाई ऑन माई डाइट एंड वर्कआउट बट आई मेड श्योर दैट आई मेंटेन माई वेट सो आई वॉज एट 65 कम्प्लीटली थ्रू आउट द ईयर। 2013 वेन माई बोर्ड्स वेर ओवर एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ्री आई डिसाइडेड दैट दिस इज द टाइम आई मीन इससे ज्यादा फ्री तुम नहीं होने वाली हो तो जस्ट डू इट with a lot of focus and that's what I did. So by the end of 2013 I almost came down to 54 kgs. That was actually the ideal weight for me according to my BMI but I was already in this you know mindset of losing weight so I kept on continuing the diet, the exercises and I really like became very strict on myself. The time when I even came down to 44. Well 54 se 44 tak ka journey was not easy nor was it healthy. Okay, I remember I used to be in hostel so us waqt na weight loss karne ka bahut craze chada hua tha. So I was with one of my friend and we went on this crazy diet where we consumed I think only
टी एंड रस्क फॉर अबाउट 3 डेज क्योंकि हमें क्विक वेट लॉस करना था. उसके बाद शायद से वी हैड द फेस्ट या फिर हमें घर आना था, मतलब कुछ एक ओकेजन था उस टाइम पे. तो वी वेंट ऑन दिस 3 डेज ऑफ क्रैश डाइट. सो विथ लिटरली टॉर्चरिंग माई सेल्फ ऑल दोज क्रैश डाइट्स एंड सीरियस कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस, आई रीच टू अबाउट लाइक 44 kgs. फ्रॉम 2014 टू 2015 आई वेड अबाउट 44 kgs बिकॉज आई वॉज मेंटेनिंग दैट strictness and that stupidity. 2015 mein actually I was introduced to weight training. Matlab that was the first time I officially joined a gym. Is waqt mujhe samajh aaya the concept about maintenance calorie, then we have deficit calorie and like how much you should deficit to lose how much weight. And what is your ideal like maintenance calorie और क्यों आपको maintenance calorie तो consume करना ही चाहिए if you are trying to you know be healthy. From 2015 to 2018 I was really regular with my gymming, with my workout, with my diet and all. और उसके बाद I was at 54 kgs quite healthy with a good muscle mass as well. Also one thing that I would like to focus is that अगर आप सिर्फ कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करके अपना वेट लॉस करना चाहते हो, दैट इज अगर आप डाइट के बेसिस पे वेट लॉस करना चाहते हो तो भी आपका वेट जरूर लूज होने वाला है. बट दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग. आपके मसल्स भी ट्रेन नहीं होते तो आप शायद से उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं रीप कर सकते हो क्योंकि जो मसल नीड्स टू बी ट्रेन्ड सो दैट दे हैव दिस मेमोरी ऑफ यू नो बींग एक्टिव, ऑफ बींग फंक्शनल. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू यू नो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन क्योंकि कैलोरी डेफिसिट करके आप एक लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकते हो. वी आर ह्यूमंस, हम शायद एक पर्टिकुलर डाइट को एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आप एक्सरसाइज को अपने एक रेगुलर ग्रूमिंग की तरह ले लो, जिस तरह से यू शैम्पू रेगुलरली और यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली, तो अगर आप एक्सरसाइज भी रेगुलरली करने लगो ना, देन यू कैन एक्चुअली मेक योर सेल्फ हेल्दी. बेस्ट रीजन आई वॉन्ट टू थैंक वेट ट्रेनिंग इज बिकॉज उसने मेरे मसल मास को इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एक्चुअली एबल टू यू नो मेंटेन माई वेट. अब वेट अगर आपको मेंटेन करना है देन यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मसल मास. वेरी ऑनेस्ट, एक साल हो जाएगा फ्रॉम 2019 ऑगस्ट मैंने वर्कआउट नहीं किया है प्रॉपरली. आई एम नॉट एट ऑल रेगुलर इन माई वर्कआउट सिंस द पास्ट 1 year. बट ऑल थैंक्स टू द मसल मास दैट आई हैड एंड द वेट ट्रेनिंग दैट आई डिड कि मैंने इतने क्विकली वेट गेन नहीं किया है. हाँ ऑफकोर्स देर इज अ स्लाइट गेन इन माई वेट बट नॉट वट आई शुड हैव. दैट वॉज अ क्विक डिस्क्रिप्शन, अ क्विक लाइक समराइज्ड जर्नी ऑफ माई वेट लॉस. I hope it was informative for you all guys. And agar aap chahte ho that I should talk in detail about diet and exercises that I followed and all such things, then please let me know in the comment section. Baad I can prepare a series on this entire weight loss topic.